हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, पिछले क्लास में बाबू आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी का फार्मूला डिराइव किया था, और उसमें एक फार्मूला रिमेनिंग और रह गए थे। तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में बताए थे रेसिस्टिविटी में कि देखिए रेसिस्टेंस जो होता है बाबू, रेसिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू? रेसिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस अगर रेसिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू, तो रेसिस्टिविटी के जगह पे क्या हो जाएगा? आर टू इक्वल टू आर वन प्लस वन प्लस अल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन। क्या हो जाएगा बाबू? टी टू माइनस टी वन, ये आपका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस के केस में फार्मूला होगा। अगर कोई मटेरियल है और उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज कराते हैं तो उसके रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका क्या हो जाएगा ये फार्मूला। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा बाबू, यहाँ पे इंटू होगा, क्योंकि आर वन तो कॉमन निकलेगा ना। हाँ, आर वन इंटू वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। उसके बाद बाबू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी के बाद पढ़ना है यूज ऑफ एलॉय। एलॉय का यूज पढ़ना है। यूज ऑफ एलॉय में क्या कहता है बाबू कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय कहता है कि एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होगा वो हायर होता है किससे? मेटल के कंपैरिजन में। कंस्टिट्यूएंट मेटल, कंस्टिट्यूएंट मेटल का मीनिंग होता है कि वो मेटल किससे बना हुआ है, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या है। जैसे गोल्ड हुआ तो गोल्ड का कंस्टिट्यूएंट अलग होगा, सिल्वर है तो उसका कंस्टिट्यूएंट अवयव अलग होगा, जिसको हम लोग हिंदी में अवयव भी कह सकते हैं। तो सिल्वर का कंस्टिट्यूएंट अलग होगा, गोल्ड का कंस्टिट्यूएंट अलग होगा, आयरन है तो उसका कंस्टिट्यूएंट अलग होगा। तो कहता है कि कंस्टिट्यूएंट मेटल का रेसिस्टिविटी क्या होता है? हायर होता है। क्या होता है? हायर होता है। बट दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली एट हाई टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी हाई होने के कारण बाबू जो टेम्परेचर है एलॉय का वो क्या होता है? हाई होता है, जिसके कारण एलॉय इजिली बर्न नहीं करते। ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या होता है? बर्न, यानी इजिली वो ब्रेक नहीं करते, जलते नहीं है टेम्परेचर पे। और इसका यूज क्या होता है? इसका जो एलॉय का यूज होता है बाबू, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बनाने में होता है। किसमें होता है बाबू? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, सच जैसे आयरन आप लोग यूज करते हो, आप लोग गीजर यूज करते हो, वाटर हीटर यूज करते हो, या रूम हीटर यूज करते हो जाड़े के दिनों में, विंटर सीजन में क्या करते हो? रूम हीटर यूज करते हो, या वाटर हीटर यूज करते हो, या गीजर भी यूज करते हो ना। ये इस सब में क्या होता है, क्या चीज इससे बना होता है? ये सब जो बना होता है बाबू, इसके जो एलॉय होते हैं, जो मेटल के एलॉय होते हैं, वो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करता है। हाई टेम्परेचर को क्या करता है बाबू? रेसिस्ट करता है। देखिए, सेकंड चीज, अब जो बल्ब यूज करते हैं घर में, जो पहले जो बल्ब आता था रेड कलर वाले, उसका जो फिलामेंट होता है बाबू, वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का रेसिस्टिविटी क्या होता है? हाई, यानी वो टेम्परेचर हाई होता है, वो इजिली बर्न नहीं करता है, उसके फिलामेंट इजिली बर्न नहीं करते हैं। उसी तरीके से जो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन, जो इलेक्ट्रिक जिस वायर के थ्रू क्या होता है, सप्लाई होता है, तो वायर को जो बनाया जाता है वो या तो अल्मीनियम का वायर होता है या कॉपर का वायर होता है, लेकिन वो हम लोग जो यूज करते हैं मेनली अल्मीनियम वायर यूज करते हैं। क्यों? कॉपर का वायर क्या होता है? कॉस्टली होता है, तो कॉपर के वायर को मेनली डिवाइस में यूज किया जाता है, और अल्मीनियम वायर को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होकर किया जाता है, लाइन को ट्रांसमिट कराने में, ट्रांसमिशन में, लाइन ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। तो यह हो गया एलॉय। तो अब आप सबको पूछा था कि एलॉय होता क्या है।
क्या करते हैं, वन और मोर मेटल, वन और मोर मेटल कैन बी कंबाइन और नोन एज एलॉय। अगर हम या तो वन या वन से अधिक वन और मोर मेटल को क्या करते हैं, या तो मिक्स करते हैं या कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है बाबू, एलॉय बनता है। क्या बनता है, एलॉय। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो पढ़ाए थे, रेसिस्टिविटी पढ़ाए थे, ओम्स लॉ पढ़ाए थे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद बाबू आप लोग को आपका एक टॉपिक फिनिश, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन लिखे तो बाबू क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बाबू, हाउ मच करेंट विल फ्लो बिल, हाउ मच करेंट बिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब draw from a टू ट्वेंटी वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब इज 1200 ओम, कितना ओम बाबू, 1200 ओम। ध्यान दीजिए बाबू, कहता है हाउ मच करंट बिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो, कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट ड्रो होगा जब उसे हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे और उस बल्ब का रेसिस्टेंस क्या है 1200 ओम है, तो वह बल्ब कितना करंट सप्लाई करेगा। तो जो गिवन है बाबू वो लिख लीजिए, तो गिवन क्या है, वी इक्वल टू 220 वोल्ट है, वी इक्वल टू क्या है 220 वोल्ट, आर इक्वल टू कितना है 1200 ओम, आई आपको फाइंड आउट करना है, तो आई इक्वल टू होता क्या है बाबू, वी अपॉन आर, तो 220 अपॉन कितना 1200 ओम। कोई दिक्कत है, चलिए इसको कट कर दीजिए बाबू, तो कितना आ गया 12 अपॉन 120 आ गया, और सॉरी ओम नहीं होगा बाबू, एम्पियर हो जाएगा, करंट है ना, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। जब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिए जब हम बल्ब को 1200, अगर किसी बल्ब का वोल्टेज 220 था और रेसिस्टेंस अगर 12 ओम था, 1200 ओम था, तो करंट कितना फ्लो हुआ 0.18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हाउ मच करंट बिल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए टू ट्वेंटी वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटर इज 100 ओम, कितना ओम बाबू
हंड्रेड ओम करता है। चलिए बाबू देख लीजिए ऊपर देख लीजिए। चलिए देखिए देख लीजिए आंसर गिवन वाले लिख लीजिए। गिवन में क्या है तो V इक्वल टू 220 वोल्ट है, R इक्वल टू 100 ओम है, I इक्वल टू क्या हो गया भाट हो गया कुछ नहीं है, तो I इक्वल टू V अपॉन क्या हो गया R 220 अपॉन 100 तो क्या आ गया 22 अपॉन 10 2.2 एम्पियर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। तो क्या देखे बाबू जब हम रेसिस्टेंस को डिक्रीज कराया तो करंट इंक्रीज किया, क्या किया करंट जब रेसिस्टेंस पहले 1200 ओम था तो करंट कितना फ्लो किया 0.18 एम्पियर। अब क्या किए रेसिस्टेंस को जब 100 ओम किए और वोल्टेज सेम रखे, वोल्टेज क्या था 220 वोल्ट वहां भी था और 220 वोल्ट इसमें भी रखे, लेकिन करंट क्या कर गया चेंज कर गया, करंट क्या आ गया बाबू 2.2 एम्पियर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। तो हम आपको बताया थे ना, क्या बताया थे कि करंट और रेसिस्टेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों को होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे का। जब करंट को इंक्रीज कराते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, रेसिस्टेंस को इंक्रीज कराते हैं तो करंट डिक्रीज करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it drop a current of 4 ampere from the source what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। देखिए बाबू एक क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ लेना है क्या क्या गिवन है बाबू। चलिए इस फॉर्मूला को रहने देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला का छोड़िए फिर से लिख देंगे, क्यों रहने दें इरेज कर देते हैं। कहिया कि सर मार्कर का इंक सेव करते हैं। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल पे, इलेक्ट्रिक हीटर का टर्मिनल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर जब उस हीटर से 4 एम्पियर का करंट क्या करता है, ड्रॉ का मतलब क्या होता है फ्लो करना या बाहर आना,
तो 4 एम्पियर करंट फ्रॉम द सोर्स, जब सोर्स से 4 एम्पियर करंट क्या होता है, फ्लो करता है कहां, इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल पर, तो हॉट करंट विल द हीटर ड्रो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कहता है कि अगर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल पे तो उससे 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अगर अगर हम वोल्टेज को 120 वोल्ट कर देंगे तो बताइए तब टर्मिनल से कितना करंट फ्लो करेगा। अगर हम वोल्टेज को 120 कर दें, डबल कर दें, तो वह हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कितना करंट फ्लो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू जो गिवन है फर्स्ट केस में तो वो लिख देंगे, वोल्टेज कितना गिवन है 60 वोल्ट, करंट कितना गिवन है बाबू 4 एम्पियर, रेसिस्टेंस नहीं मालूम है बाबू। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I, तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा 4, कितना एम्पियर ओम रेसिस्टेंस आ जा 15 ओम। देन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस When potential difference is increased to 120 volt, अगर potential difference increase होके कितना होता है 120 volt, तो इस केस में V equal to क्या आ गया बाबू 120 volt, R कितना ले लेंगे बाबू 50 ओम, R कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। अब करंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ना, तो देखिए करंट इक्वल टू होता क्या है V अपॉन R, करंट क्या होता है V अपॉन I इक्वल टू V अपॉन R, 120 अपॉन 15 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ध्यान दीजिए अगर रेसिस्टेंस को 15 ओम रखे तो करंट 4 एम्पियर आया, और वोल्टेज को 60 ओम, सॉरी रेसिस्ट करंट 4 एम्पियर, वोल्टेज अगर 60 वोल्ट रखे तो रेसिस्टेंस 15 ओम आ गया। अगर वोल्टेज को डबल किए और रेसिस्टेंस 15 ओम ही रहने दिए, क्योंकि वायर तो सेम है ना, वायर तो चेंज कर नहीं रहा है, तो वायर चेंज नहीं करेगा तो जो रेसिस्टेंस उसमें था वही रेसिस्टेंस यहां पर करेगा, तो अब वोल्टेज सिर्फ बढ़ा दिए है, इंक्रीज करा है, तो अगर रेसिस्टेंस सेम, सॉरी वायर सेम है और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चेंज कर रहा है तो क्या रेसिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वायर डबल नहीं है, सिंगल वायर है। और वन टाइम क्या किया था बाबू, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को ए टू बी क्या दिया था 60 वोल्ट दिया था, और इससे कितना करंट फ्लो हो रहा था 4 एम्पियर, या कहीं किसी साइड भी दे सकते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस, तो जो रेसिस्टेंस आया था कितना आता 15 ओम। अब बताओ बाबू वायर तो वही है, अगर वायर वही है तो रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा, चेंज करेगा, लाइक आप जानते हो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, या तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल का तो नेचर सेम है, अगर कॉपर का वायर लिए होंगे तो कॉपर का रहेगा, अगर अल्मोनियम का वायर की बने तो अल्मोनियम का वायर रहेगा, तो नेचर ऑफ द मटेरियल तो सेम है। अब बात करती है लेंथ, तो लेंथ भी फिक्स है, लेंथ कहाँ चेंजिंग कर रहे हैं, जो लेंथ था जितना लेंथ हमने लिया था स्टार्टिंग में वही लेंथ पर तो बरकरार है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एक दो नंबर में बोर्ड में आता ही आता है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़ा सा केयर करिएगा, और नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर मेटल वायर
ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 50 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस बाबू? 20 डिग्री सेल्सियस। सही है ना? 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे होता है बाबू। चलिए सही है। इफ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज 1 mm, कितना mm बाबू? 1 mm। अगर वायर का डायमीटर 1 mm है तो भाट बिल बे द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल मेटल एट दैट टेम्परेचर। कहता है कुछ टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। ध्यान दीजिए बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, मेटल का वायर है, लेंथ कितना दिया है बाबू? 1 मीटर। जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, जो गिवन में है वो लिख लेते हैं। तो लेंथ को कैपिटल एल इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर कैपिटल एल ही क्यों लेते हैं? इसलिए कि फॉर्मूला में हमने कैपिटल एल यूज किया है, आप स्मॉल एल भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बताइए बाबू, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 ओम। आर क्या हो गया? 50 ओम। डायमीटर कितना है? बार है ना, तो बार कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो डायमीटर कितना? 1 mm। अब डायमीटर 1 mm है बाबू, तो भाट बिल भी दे रेसिस्टिविटी, यानी आपसे रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो डी इक्वल टू आर इक्वल टू होता क्या है बाबू? डी अपॉन टू 1/2। अब बताइए मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे बाबू, 1 × 10⁻³ मीटर लिखोगे तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एरिया, वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वायर, वायर सर्कुलर होता है बाबू, तो सर्कुलर वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई इंटू 1/2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू 1/4 × 10⁻⁶। कोई प्रॉब्लम बाबू? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो आपको एरिया भी फाइंड आउट हो गया बाबू, रेडियस भी पता हो गया, यहाँ रेडियस का कोई रिक्वायरमेंट, इसलिए एरिया निकालने में रिक्वायरमेंट नीड हुई, आवश्यकता पड़ी। अब बताइए रेसिस्टिविटी क्या होता है? आर, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम भी भूल गए बाबू, आर इंटू ए अपॉन एल होता है बाबू, आर इंटू ए अपॉन एल होता है। अब बताइए रेसिस्टेंस कितना है बाबू? 50 ओम। एरिया कितना है बाबू? पाई इंटू 1/4 × 10⁻⁶। सही है ना, 10⁻⁶ है ना बाबू? हाँ। अब ध्यान दीजिए डिवाइडेड बाय एल कितना है? 1 मीटर। तो वन, तो देखिए 4 से 50 कैंसल हो जाएगा, 1, 2.5। तो देखिए 12.5 पाई इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, पाई ओम मीटर हो जाएगा बाबू। तो क्या हो गया? रेसिस्टिविटी फाइंड आउट हो गया ना, और टेम्परेचर का यहाँ कोई यूज नहीं था।
तो देखिए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे, टर्म्स आएंगे जिनका यूज आपको नहीं होगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि बच्चा क्या कर जाए, कंफ्यूज कर जाए, तो उससे टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेंशन हमें लेना है, आपको नहीं लेना है। आपको जो कहा जाए वही काम करिए बाबू, ठीक है ना। मैं जो कहता हूँ कर लो, वादा करता हूँ अच्छा करके दूंगा। ए एट ओम बायर, इज डबल्ड। क्या करे, इज डबल्ड ऑन एट कैलकुलेट, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द बायर, ऑफ द बायर। ध्यान दीजिए बाबू, कहता है R इक्वल टू 8 ओम दिया गया है, R1 बराबर क्या दिया गया है, 8 ओम दिया गया है। R1 रखिए, हाँ R1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। कहता है कि कोई बायर है बाबू, A और B क्या मान लिए, बायर मान लिए, चलिए इसके रेसिस्टेंस को R ही रहने देते हैं। R इसका क्या है बाबू, बायर का 8 ओम है, ठीक है ना। अब बताइए 8 ओम है, इसका लेंथ को एल मान लेते हैं, एरिया को एल मान लेते हैं। अगर कोई वायर है जिसका लेंथ क्या है, ए है, सॉरी लेंथ एल है और एरिया क्या है, एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन, इसका थिकनेस क्या है, तो थिकनेस को मैंने ए मान लिया, वायर के थिकनेस को क्या मान लिया बाबू, ए मान लिया। अब बताइए अगर वायर के थिकनेस को ए मान लिया बाबू, तो रेसिस्टेंस का फार्मूला पढ़ाया था रो एल वाई ए, रो एल वाई ए ना, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, रो एल वाई ए। अब आप ही ध्यान दीजिए, एल भी नहीं मालूम, ए भी नहीं मालूम, दो अननोन क्वांटिटी है, रेसिस्टिविटी भी नहीं मालूम है, तो तीन अननोन क्वांटिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो क्या करेंगे बाबू, रो एल वाई ए, ध्यान दीजिए रो एल वाई ए इक्वल टू आर के प्लेस पर क्या कर देंगे, देखिए आर को यहां पर लिख देते हैं ऐसे, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बाबू, और रो एल वाई ए क्या हो गया, एट एट हो गया, और इसको एट ही रहने देते हैं। अब इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं बाबू। अब क्या कहता, अगर हम बायर को डबल कर देते हैं, देखिए बायर को डबल कर दिए, क्या किए, बायर को बेंड कर दिए तो डबल हो गया, तो बायर जब डबल हो गया बाबू तो एरिया क्या हो, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा बाबू, डबल हो जाएगा, एरिया डबल हो गया ना, तो लेंथ हाफ हो गया और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, और रेसिस्टिविटी तो वही रह जाएगा, रेसिस्टिविटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए बाबू आर वन इक्वल टू रो एल वन अपॉन ए वन, हम एल वन और ए वन मान लिए हैं। अब बताइए बाबू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, और एक चीज और बाबू, ना L1 मानेंगे ना A1 मानेंगे, अगर L1 और A1 मान लीजिएगा, मान लीजिए तो फर्क नहीं पड़ता, याद आ गया, क्यों नहीं, क्योंकि L बाई टू ने लिए हैं, तो ध्यान दीजिए रो L1 के प्लेस पर क्या, L बाई टू, A1 के प्लेस पर क्या, 2A, तो R1 इक्वल टू क्या, रो, अब ध्यान दीजिए बाबू L अपॉन 2 या 4, तो R1 इक्वल टू 1 बटा 4 इंटू रो L अपॉन A। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 इक्वल टू 1 बटा 4 इंटू 8 ओम, क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, चलिए ओम।
अब ध्यान दीजिए बाबू, 4 2 8, तो आर वन इक्वल टू कितना, 2। आर वन क्या हुआ, तो देखिए क्या फर्क पड़ा, जब हम लेंथ को डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। कितने टाइम्स से, 4 टाइम्स से। कितने टाइम्स से, 4 टाइम्स से क्या कर गए, डिक्रीज कर गया बाबू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बाबू बोर्ड में। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, क्या ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये लिख लीजिए। ये लेंथ ऑफ कॉपर वायर अल्फा इक्वल टू 0.0040 हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ohm at 20 degree Celsius कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस इफ द टेम्परेचर बेयर टू इंक्रीज टू कितना से इंक्रीज करता है बाबू, बेयर इंक्रीज टू 50 degree Celsius से, कितना से, 50 degree Celsius से। ध्यान दीजिए बाबू, ए लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ए लेंथ ऑफ एक कॉपर वायर का लेंथ है जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया गया है, 5 ohm। टेम्परेचर कितना है बाबू, 20 degree Celsius पे कोई किसी कॉपर वायर का रेसिस्टेंस कितना है बाबू, 5 ohm है। और उस कॉपर वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है बाबू, इतना है। तो बताइए कि उसका अगर हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करा दें तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है बाबू, अल्फा इक्वल टू 0.0040 गिवन है। अब बताइए रेसिस्टेंस आर वन कितना गिवन है बाबू, 5 ohm गिवन है। टी वन 20 degree Celsius, T2 50 degree Celsius, R2 कितना, भाट। अब देखिए हम पढ़ाया थे R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 फॉर्मूला है ना बताए थे। अब बताइए बाबू R2 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.0040 50 degree Celsius माइनस 20 degree Celsius, तो R2 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 30 degree Celsius। कोई दिक्कत नहीं, R2 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए डिग्री सेल्सियस कितना लेते चल रहे, डिग्री सेल्सियस यहाँ फिक्स कर दीजिए, खुद लिखिए। तो देखिए मल्टीप्लाई किया करेंगे बाबू तो 0, 4 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1 0 और हो जाएगा,
तो टू और टू फोर, एक फाइव, तो 0.012, तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 1.012 हो जाएगा, तो 5 × 1.012 हो जाएगा, इस इतना ओम हो जाएगा। तो 12 × 5 या कितना, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 6, 0, 5। चलिए बाबू इतना 5 क्या आ गया, देखिए 5.06 आ गया ना, 5.06 ओम आ गया ना, और आर1 कितना था, 5 ओम। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस 5 ओम गिवन था, जब हम टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस तक लेकर गए तो आर2 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5.06 हो गया। तो चलिए ये आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया बाबू, कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए, और नेक्स्ट क्लास में पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।